देश भर में हनुमान अष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। उज्जैन में हनुमान जी के मंदिरों में आकर्षक लाइटिंग और फूलों से मंदिर को सजाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच बाबा हनुमान के दर्शन कर निहाल हो गए। उज्जैन के विश्व विख्यात श्री महाकाल मंदिर में शुक्रवार तड़के 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। भगवान महाकाल का जल से अभिषेक कर दूध दही घी शहद शक्कर फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन के बाद रजत के आभूषणों और भांग चंदन से भगवान हनुमान जी के स्वरूप में दिव्य श्रृंगार किया गया। उज्जैन और आसपास के इलाकों में मनाई जाने वाली हनुमान अष्टमी के चलते भगवान महाकाल का श्रृंगार हनुमान जी के रूप में किया गया। सिर पर शेषनाग का रजत मुकुट धारण कर रजत की मुंडमाला और रुद्राक्ष की माला अर्पित की गई। सुगंधित पुष्प से बनी फूलों की माला भगवान ने धारण की। नवीन वस्त्र अर्पित कर फल और मिष्ठान का भोग लगाया। भस्मारती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। हनुमान अष्टमी इसलिए मनाई जाती है, विजय पर्व है। ऐसा माना गया है कि लंका से जब भगवान यहाँ आए थे तो हनुमान जी को वरदान दिया और उनका ये हनुमान अष्टमी पर्व मनाया जाता है सेवा भाव से। महाकाल मंदिर में भी हनुमान अष्टमी के पर्व को मनाते हैं। सूर्यमुखी हनुमान जी है जो अयोध्या में जब यज्ञ हुआ था तो यहाँ से जल लेके गए थे और वहाँ यज्ञ सम्पन्न हुआ था। महाकाल मंदिर में भी आज भगवान का जो भस्मारती में श्रृंगार किया उस पर प्रतीकात्मक हनुमान जी के श्रृंगार उसमें दर्शाया गया, जिससे कि भगवान का स्वरूप शिव समान है ना, शिव शंकर के जो स्वरूप है ये अंश है तो वो शिव जी की प्रतिमा पे आज दर्शाया।